तो भाई घर से जाने का दिल तो नहीं करता है, पर देखो हर गेट इस टाइम बिजी है और ये दोपहर का टाइम है इस टाइम कि आई हैव अपग्रेडेड अगेन टू बिजनेस क्लास। सिक्योरिटी पे हर एक पंगा पड़ गया था कि मैंने क्यों बुक करी सेपरेट ऐसी फ्लाइट। यहाँ पे आके शांति मिलती है तो इंडिया में तो टी टी चाय चाय पी पी। तो ये भाई अपनी गली से लास्ट व्यू ले लें आज, ये व्यूज फिर वहां जाके मिलते नहीं है। व्हाट्स द स्टोरी लैड्स और केदार, दिस इज ध्रुव, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। बस यार आज अपना लास्ट डे है दिल्ली में, बस कुछ फ्यू आवर्स ही रह गए हैं, 2-2.5 घंटे रह गए हैं, इसके बाद अपनी फ्लाइट है यार। 6:30 बजे की फ्लाइट है भाई, 2-2.5 बजे निकलूंगा एयरपोर्ट पे, कोई अपना 3-3.5 घंटे पहले पहुंच जाएंगे। दिल्ली में रहने का ये फायदा है यार कि अगर आपका दिल्ली में घर है, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो 1-1.5 घंटे की ड्राइव है। जो बंदा पंजाब से आ रहा है, हरियाणा से आ रहा है, किसी और भी स्टेट से आ रहा है, उनको तो 5-5, 10-10 घंटे पहले निकलना पड़ता है। तो बस यार अभी चिल करते हैं 2 घंटे। जयपुर से आए थे, जैसे आपको पता ही होगा, अगर आपने मेरा जयपुर का व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके ज़रूर चेक करें, आई होप यू गोना एंजॉय इट। तो जयपुर से आए थे, काफ़ी घूमे, थके, खाए, पिए और फिर यहाँ पे आके रेस्ट करा। दिल्ली में आज आराम से उठाना है कि कल आए थे हम जयपुर से, आज अपनी वापसी है भाई जाने की। घर पे अभी पोछा पोछा लग रहा है और बाहर अभी एक धुएं वाला ट्रक आएगा शायद, उसे ना धुआं करवा देंगे अंदर, मच्छर मच्छर जितने भी है ना भाई वो मर जाएंगे। देखो कैसी पोल्यूशन हो गया यार दिल्ली में, तो भाई ना अपना क्लियर स्काई तो दिख ही नहीं रहा है, देखो एकदम धुआं हो गया बहुत ज़्यादा। तो सफाई वगैरह चल रही है घर पे एंड और अपनी जो भाई पैकिंग है जाने के लिए वो भी रेडी है, छोटा बैग हो गया, कैबिन बैग हो गया और ये मेरा लगेज हो गया। खलारा बहुत पड़ा हुआ है यार, खलारा बहुत है क्योंकि डैडी उन्होंने भी जाना है, मिट्टी ने भी जाना है, उनकी फ्लाइट थोड़े दिन बाद है। तो बस थोड़े अब 2-2 घंटे हैं, रेस्ट करते हैं, खाते पीते हैं, उसके बाद निकलते हैं एयरपोर्ट नहा धो के। तो यार हो चुके हैं रेडी नहा धो के, टाइम टू गो होम नाउ, टाइम टू लीव दिल्ली एंड से गुड बाय टू इंडिया। बट अभी 15-20 मिनट में निकलते हैं यार, डैडी कहीं गए हुए हैं, फिर वो आने वाले हैं, वही ड्रॉप करेंगे एयरपोर्ट। एंड आज का व्लॉग होने वाला है कि यार एक तो मैं आपको पूरी अपनी जर्नी दिखाऊंगा, ठीक है, उसके बाद कोई भी अगर स्टूडेंट फैमिली वाला कोई भी बंदा न्यू अगर वो बाहर जा रहा है लाइक यूके, यूरोप, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कैनेडा, कहीं भी जा रहा है, उसको पता लग जाएगा अगर वो पहली बार जा रहा है। थोड़ा नर्वस फ्लाई होता है यार ना पहली बार जाने में, मैं भी काफ़ी नर्वस था पहली बार जब गए थे, बट छोटे थे, बट हाँ ये है कि फर्स्ट टाइम थोड़ा नर्वस होता है। भाई नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास वैलिड वीज़ा है, वैलिड टिकट है, तो कोई कुछ नहीं करेगा। आप आज की वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि अपने दिल्ली एयरपोर्ट पे या आप इंडिया में कहीं भी हो, किसी भी एयरपोर्ट से आप फ्लाई कर रहे हो तो फिर कैसे कैसे प्रोसीजर होता है। तो ये जर्नी खास आप लोगों के लिए, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो भाई अपना जाने का टाइम आ गया, अपना जो बैगेज है लगेज है सारा कुछ पैक हो गया है, लेट्स गो नाउ। मिलते हैं अगले साल फिर आके, ना ध्यान रखो अपना है। तो भाई घर से जाने का दिल तो नहीं करता है, पर देखो सामान सुन रख हो रहा है गाड़ी में, निकलते हैं अब, चलते हैं फिर घर को वापस, बैक होम टू डबलिन। मुड़ मुड़ याद सतावे पिंड दिया गलियां दी, ओ कर वही आऊं जा फिर। पासपोर्ट पूछ रहे सामान तो नहीं हो तरह के हैं, तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट ऑन टाइम 3 घंटे पहले। अब चलते हैं सीधा चेक इन कराते हैं बस, पहले तो अंदर एंटर करते हैं, भीड़ बहुत है यार। आप ये रश देखो बॉस, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 गेट है और हर गेट इस टाइम बिजी है और ये दोपहर का टाइम है इस टाइम। भाई आप दिल्ली एयरपोर्ट कभी भी आ जाओ, आपको 24 घंटे यहाँ रश मिलेगा, चाहे वो डिपार्चर है चाहे वो अराइवल है। इस टाइम मुझे एयरपोर्ट में एंटर करने के लिए 2-2 क्यूज़ है यार, तो अंदर होपफुली चेक इन हो जाए ऑन टाइम।
तो आपको अपना बोर्डिंग पास या टिकट और पासपोर्ट कोई भी आईडी हो वो आपको यहाँ चेक कराना, तभी आपको अंदर जाने देंगे। तो भाई हम आ चुके हैं अंदर, यार चेकिंग हो चुकी है और सामने ही आपको फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन है, उड़ान की जानकारी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी कौन सी फ़्लाइट है, कहाँ जानी है और कौन सा आपका चेक इन ओपन है। तो मेरी है 6:25 की सऊदीया टू रियाद, गेट एम, वहाँ चलते हैं। तो भाई इस बार जो मैं फ़्लाई कर रहा हूँ वो सेम जैसे मैं वापसी में आया था, आपको बताया डबलिन एम्स्टरडम, एम्स्टरडम जीदा, जीदा से दिल्ली। अब मेरी है सऊदी अरेबिया से, बट सिटी चेंज है, अब है मेरी दिल्ली से रियाद, रियाद से पेरिस, देन पेरिस टू डबलिन। तो ये भी एकदम मल्टी सिटी मैंने बुकिंग कराई यार, जहाँ पर आपको टिकट वगैरह सस्ती मिलती है ना, चाहे आपको मल्टी सिटी है चाहे जैसी मर्जी है, वहाँ करा लो। तो मैंने वहाँ करा ली, अब चलते हैं गेट एम पर। मेरा चेक इन है वो है ओपन, एंड यहाँ पे गुड न्यूज़ है कि आई हैव अपग्रेडेड अगेन टू बिजनेस क्लास। मेरी बिजनेस क्लास अपग्रेड हो गया भाई दिल्ली से रियाद, बट जो रियाद से पेरिस है ना भाई, वो नहीं अपग्रेड हुई है। तो चलो कोई नहीं, एक लैग ही बहुत है। तो ये है भाई मेरी चेक इन लाइन जो ओपन है स्काई प्योरिटी सऊदी एयरलाइन की, गेट एम पर चेक इन करता है। यार ये बैग जो है ना, इनको सारे को जमा कराते हैं, फिर हम हैंड फ्री हो जाएंगे। तो भाई बिजनेस क्लास का इतना फ़ायदा है कि आपको चेक इन जल्दी हो जाती है, लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता, चाहे आप लेट भी हो जाओ, फटाफट इनका चेक इन काउंटर है जो ओपन होता है। तो भाई अपनी चेक इन हो चुकी है, डन, 5 मिनट ही लगे हैं। और यहाँ से सबसे खास मतलब तो क्या हुई है कि मुझे इन्होंने लाउंज एक्सेस दे दिया है दिल्ली एयरपोर्ट पर, तो दिल्ली एयरपोर्ट का लाउंज एक्सेस मिल गया। बस ट्राई करते हैं क्योंकि अभी 2.5-3 घंटे हैं। अब चलते हैं सीधा इंटरनेशनल उस पर डिपार्चर्स पे, और वहाँ पे सबसे पहले होगी आपकी इमिग्रेशन। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, वहाँ पे होगी इमिग्रेशन। अगर आप इकोनॉमी से ट्रैवल कर रहे हो तो इकोनॉमी की लाइन डिफरेंट है, अगर आप बिजनेस से ट्रैवल कर रहे हो उनकी लाइन डिफरेंट है। तो मैं बिजनेस से ट्रैवल कर रहा हूँ, तो जल्दी करते हैं और लाउंज में बैठते हैं जाके। तो भाई फाइनली इमिग्रेशन भी हो चुकी है, देन सिक्योरिटी भी हो चुकी है, देन सिक्योरिटी पर यार एक पंगा पड़ गया था कि ड्रोन था मेरे पास। इंडियन लॉ जो बोलता है कि चेक इन लगेज में डालना चाहिए, अब मेरा पंगा पड़ गया, मैं तो वहाँ से कैबिन बैग में लेके आया था। चलो एनीवे थोड़ी बहुत पेमेंट करनी पड़ी क्योंकि मैं इमिग्रेशन के इस तरफ आ चुका था, उस टाइम भी लगी थी। चलो एनीवे हो गया जमा, वो मेरा जो छोटा बैग था ना कंधे पे, बैकपैक। अब चलते हैं लाउंज में फटाफट, 1 घंटा लग गया मुझे क्योंकि सिक्योरिटी को आने आने में अंदर जो सऊदीया का स्टाफ था बहुत टाइम लग गया। बट एनीवे चलो हो गया, अब जाते हैं लाउंज में, फटाफट खाते हैं और चलते हैं फिर अपने गेट को। दिल्ली एयरपोर्ट का यार डिपार्चर बहुत अच्छा है बॉस, देखो सामने आयरिश हाउस है, आयरिश बार, सो विच इज़ रियली गुड फॉर द आयरिश पीपल, बट बहुत साफ़ सुथरा है। अराइवल्स इतना अच्छा नहीं है यार, बट जो डिपार्चर्स है बॉस वो काफ़ी अच्छा है। ये जो दिल्ली एयरपोर्ट का लाउंज है ये है लेवल 4 पे, प्लाजा प्रीमियम लाउंज। तो भाई आ गए हम प्रीमियम लाउंज में एक्सेस। तो ये लाउंज है भाई प्रीमियम प्लाजा लाउंज, अपनी फ्लाइट इस काइंड ऑफ चेक इन क्लोज हो चुकी है, तो चलते हैं थोड़ी देर में कुछ खा पी लें यार बॉस वाले ना, ऐसे गुड साइड ऑफ लाउंज। ज़्यादा टाइम तो नहीं है, बस ये है कि थोड़ा बहुत खा के ड्रिंक वगैरह लेके फिर चलते हैं बाहर सीधा। सो भाई मैंने लिया है चिकन टिक्का सैलड एंड बियर, क्योंकि यार ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि 1 घंटा मेरा वहाँ लग गया यार ना, तो फिर ये है कि जल्दी से खा के चलते हैं और फ्लाइट में करते हैं इंजॉय फिर ना, क्योंकि बोर्डिंग शुरू होने वाली है 5-10 मिनट्स। ये वाली बस दिल्ली डेयर डेविल्स की बार है, दिल्ली कैपिटल, हमेशा सोचते हैं कि आएंगे बट आज तो यार बहुत लेट हो गए। तो विराट कोहली का देखो बना हुआ T20 वर्ल्ड कप पोस्टर लगा हुआ है, लेट्स गो टू द गेट मैन, क्योंकि लेट हो जाएंगे भाई ना। और आपको कुछ बता दूं यार, अगर आप पहली बार आ रहे हो, चाहे स्टूडेंट है, फैमिली वाला है, पहली बार कोई भी जा रहा है अब्रॉड, तो जो आपकी चेक इन है ना, जहाँ मैंने चेक इन कराई थी, बोर्डिंग पास वगैरह मिला था, वहाँ पे आपका वीज़ा वगैरह चेक होगा अगर आप पहली बार ट्रैवल कर रहे हो। और मेन चीज़ होती है वेटिंग, जो आपका वेट का अलाउंस होता है ना, बैगेज अलाउंस, वो मेक श्योर करना कि उतना ही हो, 0.5 तक चल जाएगा। जैसे अगर आपको 23 अलाउड है तो 23.8 तक चल जाएगा, कुछ तो ज़्यादा ना हो उससे, ये तो फिर पंगा पड़ता है यार ना। काफ़ी पैसे चार्ज करते हैं, 1-1 किलो के तो 1,000 रुपये, कभी कभी तो 1 पीस का ही चार्ज करते हैं, अगर आपके पास 1 किलो भी हो तो 1 पीस बैगेज का चार्ज करते हैं,
20-21 हज़ार रुपये। तो मेक श्योर करना अपना जो आपका जो बैग अलाउंस है ना वो उतना ही हो। अब चलते हैं गेट पे, अपनी बोर्डिंग हो रही है भाई, लेट्स बोर्ड इन। तो फाइनली यार बोर्ड कर रहे हैं बिजनेस क्लास सऊदी एयरलाइन टू रियाद। और ऐसा बस मेरे से पहली बार हुआ है कि इतनी लेट बोर्ड कर रहा हूँ, इतनी जल्दी एयरपोर्ट पे आ गए, बस ड्रोन के कारण पंगा पड़ गया। चलो आगे से भाई ड्रोन चेक इन में लाना, हैंड बैग मत लाना इफ़ यू आर फ्लाइंग इन इंडिया। ये आ गई भाई अपनी बोर्डिंग क्लास, अपनी बिजनेस क्लास, अपनी सीट है नंबर 4A। तो भाई मैं फाइनली बैठ चुका हूँ सीट 4A बिजनेस क्लास। फाइनली घर से निकले टाइम पे, एयरपोर्ट पहुँचे टाइम पे सिक्योरिटी में बहुत आई, लेकिन एक घंटा मेरा वेस्ट हो गया। फिर सऊदी एयरलाइन को अंदर आना था कार्ड मशीन लेके, फिर थोड़ी मैंने पेमेंट करी क्योंकि वो जमा ही होगा बस, क्योंकि मैं अपना ड्रोन ना खोना नहीं चाहता। अब होपफुली मुझे पेरिस पे मिल जाए यार ना मेरा, क्योंकि जो अब मेरी फ़्लाइट है ये है फ्रॉम दिल्ली टू रियाद, देन रियाद में मेरा 4 घंटे का लेओवर है, देन फ्रॉम रियाद अब फ्लाइंग टू पेरिस। तो होपफुली यार पेरिस में मेरा सारा सामान मिल जाए। बट यहाँ की बिजनेस क्लासेस इज सो गुड, आपने अगर मेरी पुरानी वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें बिजनेस क्लास की जो सीट्स वगैरह थी ना बस, वो थोड़ा पुरानी, मतलब वो एयरक्राफ्ट थोड़ा पुराना था और ये एयरक्राफ्ट उससे न्यू है। एंड बिग स्क्रीन अगेन, बिग ब्लैक रूम, वेलकम ड्रिंक। तो होपफुली बस ये फ्लाइट भी इंजॉय करूँगा। 5 घंटे लगेंगे बस रियाद जाने में। मुझे जो लास्ट टाइम मिला था हमस, काइंड ऑफ अ सॉस सैलेड। चलो आगे देखता बस कैसा। तो ये भाई अपना आ गया है मेन कोर्स, चिकन स्ट्यू विद सैलेड। मैंने ब्रेड और मंगा लिया है यार। इंडिया में बहुत मतलब जंक तो नहीं खाया, बट जंक ही कह सकते हो, ऑयली फूड, पकौड़े, समोसे, जलेबी, सारा फैट फूड खाया। अब है कि थोड़ा हेल्दी फूड खाते हैं बस। तो भाई जो मील थी डिनर था बहुत अच्छी थी। अब आ गई है बारी डेजर्ट की, कुछ मीठा हो जाए, कुछ खट्टा थोड़ी हो जाए, मीठा ही हो जाए। केक है, आपको दिखाता हूँ क्या कुछ है। आई थिंक दिस इज सम काइंड ऑफ अ पेस्ट्री, ये कोई अपनी इंडियन स्वीट है, कोई मूंग की दाल का हलवा, पता नहीं क्या होगा। दिस इज काइंड ऑफ अ क्रीमी क्रोसॉन विद चॉकलेट, मज़ा आएगा बस। खातेदारी बहुत बढ़िया करते हैं भाई। इसके बाद आएगी अभी कैपेचिनो, फिर कॉफ़ी पी के फिर सोते हैं 2 से 2.5 घंटे, पहले खा लेते हैं बस। तो भाई ये बच चुका अपना बेड जो अपनी सीट थी, अब सोते हैं 2 घंटे, आपसे रियाद आके मिलते हैं। तो भाई मैं फाइनली पहुंच चुका हूँ रियाद सऊदी अरेबिया में। 5 घंटे की फ़्लाइट नहीं थी यार, सिर्फ 4 घंटे की फ़्लाइट थी। अपनी सिक्योरिटी हो चुकी है डन। अब मेरा यहाँ पे स्टे है तकरीबन 4 घंटे, 4-4.5 घंटे का स्टे है। इस टाइम यहाँ 9 बज रहे हैं लोकल टाइम, और 2 बजे की मेरी फ़्लाइट है पेरिस की, वो भी सऊदी एयरलाइन है। अब देखते हैं यार, थोड़ा बहुत घूमते हैं। 1.5 घंटा सोया मैं फ़्लाइट में ना, मैं ज़्यादा नहीं सोया। तो अब थोड़ा घूमते हैं, देखते हैं मुझे अगर बिजनेस क्लास का एक और अपग्रेड मिल गया, रिक्वेस्ट करके देखता हूँ, क्योंकि मैंने बिड तो डाल रखी थी बट वो अभी एक्सेप्टेड नहीं हुई है। जो दिल्ली से रियाद की बिड थी वो एक्सेप्टेड हो गई थी भाई। अगेन लाउंज का एक्सेस मिल गया, बैठे हैं लाउंज में फाइनली यार। जो स्काई प्योरिटी का बोर्डिंग पास है, क्योंकि मैं स्काई टीम का मेम्बर हूँ फ्लाइंग ब्लू का KLM, तो जो सऊदीया है वो भी स्काई टीम की मेंबर है, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। ऊपर से मुझे बिजनेस क्लास जो मिली है फ्रॉम दिल्ली टू रियाद, वो मेरे दोनों बोर्डिंग पास पर स्काई प्योरिटी के हैं,
दोनों ने जाने दिया। ट्राई किया था मैंने, मैं कहा चांस लेके देखता है भाई क्यों क्यों छोड़ना ना, क्योंकि 4.5 घंटे का स्टे है, क्या करना मैंने नीचे भी। वो छोटा सा एयरपोर्ट है यार, ज़्यादा बहुत बड़ा था, रियाद थोड़ा छोटा है उससे कंपेयर टू ज़्यादा। तो बैठे आराम से, खाने की भी कोई इच्छा नहीं है, बाद में खाएंगे जब जाने का टाइम होगा ना। बट ये लाउंज अच्छा है, नॉट बैड। तो लाउंज में यार काफ़ी कुछ है, आप फ्रेश कुछ भी खा सकते हो, इट्स ऑल फ्रेशली मेड। तो देखते हैं यार, अभी तो कुछ भूख नहीं है, कुछ खाने की कोई इच्छा नहीं है, बट हाँ लेटर ऑन खाऊंगा सम काइंड ऑफ ए चिकन बिरयानी जो मैंने लास्ट टाइम खाई थी ना। तो देखते हैं क्या कुछ खाएं, फ्री कॉफ़ी ड्रिंक जूसेस आपको सब कुछ मिलेगा, और काफ़ी बड़ा लाउंज है। बट वो वाला जो लाउंज था ना जैदा का, वो इससे ब्रांड न्यू था। तो अपनी ये सीट है, आराम से बैठते हैं यार, वाईफाई फ्री है तो इन्जॉय करते हैं। फाइनली जा रहे हैं, पैलेस को बोर्डिंग हो गई है शुरू, तो चलते हैं अंदर। 4 घंटे, 4.5 घंटे वेट करने के बाद लेट्स गो टू पेरिस। इट सीम्स लाइक अ फुल फ्लाइट, फ्लाइट एकदम फुल है यार ना। और जो मेरी बिजनेस क्लास की अपग्रेड थी ना वो भी नहीं मिली, क्योंकि बिजनेस क्लास वाज ऑलरेडी फुल एज वेल। चलो कोई नहीं, तो जैसे मेरा ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट था ना फ्रॉम एम्स्टरडम टू जेदा, वैसा ही है। बट द गुड थिंग अबाउट दिस इज़ में यार ये फुट रश होता है, सो विच इज़ सो गुड। तो चलते हैं पेरिस को, और पेरिस को लगेंगे भाई पूरे 6 घंटे, 6 घंटे लगेंगे। सुबह का टाइम पहुँचेंगे हम 7 AM पेरिस लोकल टाइम, 7 बजे पहुँचेंगे। सॉरी टेक ऑफ के बाद मैं तो सो गया था इस बैग में, इस बैग में निकला है सॉक्स, आई मास्क एंड ब्रश एंड द ईयर प्लग्स, मुझे इसकी ज़रूरत थी। चलो ये मिल गया। पेरिस आने को रह गया है 1 घंटा, रह गया 1.5 घंटा। अब ब्रेकफास्ट सर्व हुआ है, मतलब पहली मील अपनी चल रही है, पिक्चर सामने मिशेल मंगल, और अब खाते हैं ब्रेकफास्ट, आई थिंक इस एग एंड सॉसेज। बड़ी भूख लग रही यार। तो भाई वेलकम टू फ्रांस, वेलकम टू यूरोप, वेलकम टू पेरिस। फाइनली यार पेरिस उतर गए भाई, 5-6 घंटे लग गए, 6 घंटे लग गए। अब मैं पासपोर्ट कंट्रोल है वो डन हो गया है, तो अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है ना तो आपने एयरपोर्ट एग्जिट नहीं करना है, आपने सीधा कनेक्टिंग फ़्लाइट्स के या ट्रांसफ़र फ़्लाइट्स के ना जो आपके साइन है वो फॉलो करने हैं। मैं तो बाहर जा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे पैकेज उठाने हैं, फिर डबलिन वाली फ़्लाइट को आगे अगेन चेक इन करना है। भाई जो मेरा ड्रोन वाला बैग था ना वो आ जाए, वो सबसे लास्ट में जमा हुआ था। बैग आने तो शुरू हो चुके हैं, बस वो वाला, सारे बैग आ जाए यार, बट वो वाला बैग ना लास्ट में जमा हुआ था, तो मुझे वो है कि वो आ जाए, उसमें मेरा ड्रोन है। तो भाई सबसे पहले ये मेरा छोटा वाला बैग ही आया, आ गया होपफुली। बस दोनों बैग की वेट करते हैं, आने वाले हैं। तो भाई थैंक गॉड मेरे आ गए हैं फाइनली सारे बैग, और मैंने एयरपोर्ट को कर दिया एग्जिट, मतलब मैं अराइवल से बाहर आ चुका हूँ। अब मैंने ये है टर्मिनल 2C, तो मैंने जाना है टर्मिनल 2E, वो आई थिंक यूरोपियन वाला होगा, शेंगेन वाला होगा। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मैं बताऊँ, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत टाइम है नेक्स्ट फ्लाइट के लिए, कि अगर आप इंडिया से आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है, तब आप जैसे मैंने ट्रैवल करा है, मतलब सेपरेट बुक करके आप तभी ट्रैवल कर सकते हो। अगर आपके पास वीज़ा नहीं है ना, तो कनेक्टिंग फ़्लाइट को आपने कनेक्टिंग फ़्लाइट ही लेनी है अनटिल योर डेस्टिनेशन। और आप किसी भी एयरपोर्ट पे उतरोगे, एम्स्टरडम, पेरिस, फ्रैंकफर्ट या लंदन, तो आपने वहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट के साइन फॉलो करने हैं, और आपने अपनी अगली फ़्लाइट को जाना है। तो मैंने यहाँ से करना था एग्ज़िट, क्योंकि मेरे बैग यहीं तक चेक इन थे। अब यहाँ से एक और एयरलाइन है, जिस एयरलाइन में मैं आया था जर्मनी से, एयर लिंगस। अभी तो यार बॉस यहाँ बजे हैं अराउंड 7:30 सुबह के, और मेरी फ़्लाइट है 1 बजे की, 1:15 की है कुछ, तो अभी तो अराउंड 5 घंटे पड़े हैं। बट उसकी चेक इन जल्दी हो जाएगी, वो कहते हैं ना 2 घंटे पहले चेक इन खुल जाएगी, तो मैं 11 बजे चेक इन कर दूँगा।
मुझे यहाँ से ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम 2C to 2E। ठंड है बस पेरिस में। इंडिया में जो टेम्परेचर था 35-32, यहाँ पे 10 डिग्री है। ठंड तो बहुत है बस। अगर कोई भी पहली बार आ रहा ना, जैकेट वगैरह हुडी वगैरह पहन के निकलना भाई बाहर ना, आपको फील होएगा जब आप सीधा एयरक्राफ्ट से बाहर निकलो। काफ़ी लोग सोचते होंगे, काफ़ी लोग ने मुझे कमेंट भी किया है यार कि आपने ऐसे सेपरेट फ्लाइट क्यों बुक करी। तो बस इसका आंसर मेरी पहली वीडियो में है जब मैं इंडिया आया था, कि मैंने क्यों बुक करी सेपरेट ऐसी फ़्लाइट। नॉर्मली मैं तो वन स्टॉप लेके आता हूँ डबलिन से कहीं भी, और वहीं से दिल्ली, फिर दिल्ली से यूरोप या कहीं भी, और वहाँ से सीधा डबलिन। तो मुझे बैगेज सीधा मेरे दिल्ली में हो जाता है चेक इन, और मुझे सीधा डबलिन में मिलता है। बट ये मेरी थी सेपरेट दो फ्लाइटें थी। तो इसका जवाब ना मेरी पहली वीडियो पे है। अगर किसने नहीं देखी ना भाई, वो ज़रूर देखना, उसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो यार ये टर्मिनल है 2C, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मैंने जाना 2E। तो वॉकिंग ही आई थिंक सारी। वो कहते हैं ना यार कि इंडिया से आने का तो दिल नहीं करता है, बट वो भी घर ही है अपना जहाँ जा रहे हैं यार। एंड आई एम सो एक्साइटेड टू सी द फैमिली, लुकू, खुशबू, मम्मी, एवरीबॉडी। 10 दिन हो गए यार मुझे इंडिया में ना, पता नहीं लगा टाइम तो कहाँ गया। उस टाइम जब मैंने टिकट बुक कराई थी, मैं सोचा जाएंगे, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। इंडिया होके भी आ गए और टाइम का पता ही नहीं लगा। चेक इन ओपन होने वाली है बस एयरलिंग की, तो चेक इन करते हैं, अभी है टाइम थोड़ा सा। भाई अपनी चेक इन हो चुकी है, डन फॉर डबलिन। अब चलते हैं सीधा इमिग्रेशन, डन सिक्योरिटी चेक, फाइनली आई एम ऑफ टू डबलिन। तो भाई अपनी इमिग्रेशन भी हो गई डन, सिक्योरिटी चेक भी हो गई डन। यार गेट्स बहुत दूर दूर है पेरिस में ना, डेफिनेटली बहुत दूर। ट्रेन लेके फिर गेट आया, फिर सिक्योरिटी चेक हुई। सो वी आर फाइनली ऑन द वे टू होम टू डबलिन। यूरोप में ना ड्रोन का कोई पंगा नहीं है, जैसे मर्जी लेके आओ, मतलब आपने चेक इन में नहीं डालना है, हैंड लगेज में डालना है। यहाँ तो कुछ भी नहीं, इंडिया में है नहीं यार पंगे वाले, चेक इन लगेज में डालो कह रहे। चलो एनीवे, पैसे देने थे उनको दे दिए। नाउ वी आर हैविंग टू आवर बोर्डिंग गेट। अभी बहुत टाइम है इस टाइम, अभी मैं क्या 11:15, हाँ 11:30 हुए हैं, 1:20 की फ़्लाइट है। ये आ गया आपका पेरिस ड्यूटी फ्री। मैं बहुत टाइम के बाद आया हूँ पेरिस ना, काफ़ी टाइम के बाद, क्योंकि यार बहुत डिफरेंट टर्मिनल है। 2 से शुरू होता है ABCDEF, काफ़ी टर्मिनल है, और ट्रेन से कनेक्टेड है, छोटी जो ट्राम होती है अंदर। अब मेरा गेट है L21। तो भाई चलते हैं, बोर्डिंग हो गई है शुरू, एयरलिंग टू डबलिन। बहुत देर हो गई भाई ट्रैवलिंग को, लेट्स गो होम नाउ फाइनली। बैठ चुके हैं एयर लिंगस फ्लाइट टू डबलिन बैक होम। ये फ्लाइट रहेगी कुछ 1 घंटा 15-20 मिनट की, जल्दी घर पहुंच जाएंगे अराउंड 2 बजे के आसपास। सो एक्साइटेड, फाइनली डबलिन वाली फ्लाइट में बैठ गए यार। डबलिन में आपका स्वागत है, वेलकम टू आयरलैंड। भाई फाइनली पहुंच ही गए, और एयरक्राफ्ट से बाहर निकलते ही ठंड, चिल्ड ऐसा लग रहा है यहाँ पर, 10 डिग्री से भी कम होगा। तो मैं भाई कहाँ चला था, दिल्ली से कल 6 बजे, और यहाँ पे अब बज चुके हैं 2:30। तो मुझे 24 घंटे हो गए भाई, 24 घंटे हो गए मुझे दिल्ली से निकले हुए। मैंने चार कंट्रीज़ क्रॉस किया, इंडिया, सऊदी अरेबिया, फ्रांस, देन आयरलैंड। चलो फाइनली घर पहुंच गए यार। और सबसे पहले अब यहाँ पे होगी आपकी इमिग्रेशन, ठीक है, उस पर आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, जो बंदा यहाँ पे न्यू आ रहा है ना, उसको सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ चेक होंगे उसके, उसके पासपोर्ट पर लगेगी स्टैम्प। तो मेक श्योर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप हैंडी रखें। भाई ये जर्नी करके तो मज़ा आ गया, थक गया बट वॉज इन्जॉयबल। भाई घर आने की खुशी तो कुछ हो रही होती है, इंडिया जाने की भी खुशी बहुत होती है, बट ये भी अपना घर है यार, यहाँ पे भी खुशी अलग ही होती है। बैग आ जाए यार फटाफट, डुगू बाहर खड़ा है, आई एम सो एक्साइटेड टू मीट हिम। एक बैग आ गया मेरा, एक बैग आना है, कान बंद हो गया यार, 24 घंटे ट्रैवल करके ना कान की तो मेरी बैंड बज गई। तो ये भाई बाहर निकलने का रास्ता, तो चलते हैं बाहर। डुकू इज वेटिंग इज नाउ।
डुगुनू 1 आवर हो गए थे आए नू। माय गॉड सॉरी मैं लेट हो गया, फ्लाइट बहुत लेट हो गई। बुत हूँ डुगुने कितने जाना होम? ओ माय गॉड लेट्स गो। कितने जाना फिर की है उत्थे पार्टी आ? ओ माय गॉड चलो चलिए फिर। तो भाई फाइनली जा रहे हैं घर इतनी बड़ी फ्लाइट के बाद यहाँ पे आके शांति मिलती है। तो इंडिया में तो टी टी चाय चाय पी पी, यहाँ देखो रोड भी ऐसे साफ सुथरे हैं और इतना ट्रैफिक नहीं है, आराम से मतलब यहाँ थोड़ी सुकून मिलता है। कि इंडिया तो दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर निकलो तो टैंट आपका सिर दर्द होने लग पड़ता है, बट यार वो भी टाइम मज़ा आता है जब बंदा यहाँ से जाता है इंडिया। बट चलो फाइनली घर आ गए यार। एंड डुगु इज हियर एक ये मेरे को देख के शर्मा रहा था। डुगु यू शाइंग फॉर मी व्हाट? मेरे को देख के शर्मा रहा था कितना ना। चलो आज का जो व्लॉग था मेरा कल का, जो मैंने कल से व्लॉग शुरू करा था इंडिया टू आयरलैंड का, यही ख़त्म करते हैं बॉस। एंड आई होप आपको जितनी मैंने जर्नी दिखाई है आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। जो बंदा फर्स्ट टाइम आता है उसको पता लग जाएगा कि हाँ यार क्या कुछ होता है। बट वो हाँ जो मैंने आपको ड्रोन का बताया था ना, अगर आप ड्रोन लेके आ रहे हो या जा रहे हो वट एवर कुछ भी, हाँ जाने का कोई पंगा नहीं है इंडिया में, बट जब वहाँ से लेके आ रहे हो ना चेक इन बैग में रखना उसकी बैटरीज अपने हैंड बैग में, बट जो ड्रोन इट्सेल्फ वो चेक इन बैग में। तो चलते हैं घर, मम्मी से मिलते हैं, रेस्ट करते हैं। थक गए यार 24 घंटे हो गए, बट मज़ा आया जर्नी का, वॉज गुड। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करता हूँ, आपसे मिलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, चाओ। देखो भाई वन से आज इसकी आवाज़ नहीं निकल रही। बाय बाय।